100 दिन में खुला कि नहीं खुला नहीं। फिर क्या कहा उन्होंने, आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल देंगे। बताइए किसको मिले? फिर आपसे कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाए जाएंगे। आपको रोजगार मिला? आपको मिला? किसानों को कहा हम आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। दुगनी हुई तो सच्चाई क्या है भाइयों बहनों? शोले में याद है, असलानी का रोल याद है?
खीरा में है। आपको मालूम है 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है 5 सालों में। मोदी जी ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला, 56 इंच का सीना तान के उनको 5 मिनट की 5 सेकंड की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान के किसान के दुखी किसान के सामने आकर उनकी बात सुन ले, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए। उनको मालूम है कि बड़ी बड़ी बातें की बस, अपने आप को राष्ट्रवाद कहते हैं। आपसे आपने प्रदर्शन किए कि नहीं किए अपने पेंशन के लिए, किए ना? जवाब आपको किस चीज से मिला? लाठियां ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मैं शिक्षा मित्रों से मिली हूँ, महिलाएं हैं, जाकर धरना किया लखनऊ में, लाठी से मारा गया, जेल में डाला गया, उनको कहा गया कि आप देशद्रोही हो। इतने बड़े राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री और इतनी राष्ट्रवादी सरकार की जब अध्यापिका अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उसको मांगने नहीं मिला है तो उसको देशद्रोही बना दिए। कैसा राष्ट्रवाद है? कैसा राष्ट्रवाद है जो आपके खेतों को सुरक्षित नहीं रख सकता? जब जब आवारा पशु आपके खेतों को चल रहा है पूरी रात, तो कौन सा भाजपा का चौकीदार आके बचा रहा है आपके खेत? यहाँ मेरे किसान भाई खड़े थे आमिर, मेरे किसान आलू किसान भाई खड़े थे जिन्होंने मुझसे ये बात कही कि दीदी किसान का कोई चौकीदार नहीं होता, चौकीदार अमीरों के होते हैं। किसान अपनी खेत की चौकीदारी आज खुद कर रहा है। इस परिस्थिति में डाल दिया है किसान को कि आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूब रहा है, अपनी खेतों की चौकीदारी कर रहा है और सरकार मौन है। इतनी सबल सरकार है कि मौन रहती है जब आप समस्याओं में डूब रहे हैं, आपका सहारा नहीं बनती, आपकी सहायता नहीं करती। जब आपके कर्ज माफ करने की बात करते हैं राहुल गांधी पे हंसते हैं इनके नेता, कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है इनके लिए, पैसे नहीं है किसानों के लिए, लेकिन 5 सालों में 550,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ करने के लिए मिल गए इनको। बताइए 550 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति के माफ किए और जब हम किसान के कर्ज की माफी के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि पैसे ही नहीं है अर्थव्यवस्था में। राहुल जी ने कहा और करके दिखाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, 3 दिन के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ होने शुरू हुए। तो भाजपा नेता आए वो करे आपके सामने, हम तो आपसे सीधी बात करेंगे। सच्चाई क्या है? आप जी रहे हो सच्चाई से। आपको लगता होगा बड़े बड़े इश्तिहारों में दिखता होगा कि बहुत विकास हुआ है देश में, हो सकता है अभी तक कुशीनगर नहीं पहुंचा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जहाँ जहाँ जाती हूँ मुझे विकास नहीं दिखता, पीड़ा दिखती है, गन्ने की पर्ची भी नहीं मिलती, आपका बकाया नहीं मिला, शुगर मिल वालों को पैसे दे दिए लेकिन आपको बताया नहीं दिया, आपके यहाँ शुगर मिल भी बंद हो गए। तो जहां जहां देखती हूँ मुझे पीड़ा दिखती है। आज हर चौराहे पे हर बाजार में जब मैं जाती हूँ वैसे नौजवान मिलता है, मुझे बताता है दीदी रोजगार नहीं है। नौजवान पीड़ित है, किसान पीड़ित है, महिलाएं पीड़ित है। मैं तो अमेठी में गाँव गई थी तो कुछ महिलाओं ने मुझे रोका, कहा कि दीदी हमें पूरे दिन इस धूप में, इस कड़ी धूप में हम बैठते हैं अपनी खेतों में, रात को पुरुष बैठते हैं दिन में हम बैठते हैं क्योंकि आवारा पशु चल गए हमारा खेत। तो स्थिति ये है। अब चाहे आपको कोई कितना भी इश्तिहार दिखाए, कितनी भी बड़ी मीटिंग में बुलाए, कितनी भी संपत्ति खर्चे, मीडिया क्या क्या दिखाए कि कितना विकास हो रहा है, कि आज भारत इतना सक्षम हुआ है,
कि 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन असलियत तो आप जान रहे हैं ना, आप जी रहे हैं असलियत को, तो किसको गुमराह करेंगे, किसको गुमराह करेंगे? आप इस असलियत इस सच्चाई को रोज जी रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास सरकार से सहायता नहीं है, ये स्थिति है। इस स्थिति को पहचानिए और इसे एक बहुत बड़ी और गहरी बात पहचानिए, इसको बदलने के लिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये आपका लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जनता की शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए, इसीलिए हमारा देश लोकतंत्र कहलाया जाता है। आज स्थिति क्या है, जनता अपनी हक मांग, अपना हक मांग रही है और जनता को जेल में ठोका जा रहा है, आवाज बंद की जा रही है।